हेलो एवरीवन आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम देखने वाले हैं केमिकल साइंस का सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग द टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं और दस कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करते हैं ना तो ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है किसका केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियडिसिटी को लेकर के इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है केमिकल बॉन्डिंग एंड पी पीरियडिसिटी पर जिसमें मैंने दस क्वेश्चंस आठ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था डिटेल में क्योंकि टेक्निकल इशू कारण दो क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जिसको हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में देखने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे टेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो, जो नेट या फिर सेट के क्वेश्चन है और उसमें कॉन्सेप्ट को उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इससे क्या होगा आपको एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जिसमें आप डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग एंड को लेकर के हमारा ये सेकंड वीडियो लेक्चर है जो कि इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर लिखा है द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स तो हमें डाइपोल मोमेंट को समझना पड़ेगा क्या होता है डाइपोल क्या होता है ना तो अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल ले जैसे कि एच एफ है एच एफ में आपको पता है हाइड्रोजन और फ्लोराइड हम जानते हैं कि फ्लोरिन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है मतलब अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेसिटी ज्यादा होता है तो होता यह है जैसे मान लो हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है फ्लोरिन के पास जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो सात इलेक्ट्रॉन होता है फ्लोरिन के पास तो एक हो गया ये आपस में बॉन्ड बनाकर कनेक्टेड है तो ये जो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है ना जिसके भी दो दो इलेक्ट्रॉन के भी जो शेयरिंग से बॉन्ड बना है ना इस बॉन्ड को अपनी और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी और खींचने का जो कैपेसिटी है है ना अट्रैक्शन करने की जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या कहलाता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी कहलाता है जो एटम जो खींच रहा है उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हम बोल देते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरिन में फ्लोरिन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है ज़्यादा होता है क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट वाला तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके लोब्स कैसा होगा थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खींचा होगा तो इधर बड़ा लोग होगा इधर छोटा लोग होगा मतलब जो निगेटिव चार्जेस है इलेक्ट्रॉन इसके तरफ है फ्लोरिन की तरफ ये पॉजिटिव चार्जेस जो आ रहा है ये हाइड्रोजन है, की तरफ आ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है दो चार्जेस जनरेट हो गया माइनस और प्लस जो चार्ज जनरेट हो गया इसी को बोलते हैं डाइपोल मतलब दो पोल्स इसमें जनरेट हो गया है अब इसका जो वैल्यू है जो कैलकुलेट हम करते हैं ना वैल्यू अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में जो वैल्यू के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट ठीक है अब क्लियर होगा डाइपोल मोमेंट को लेकर के अब हम चारों में से देखेंगे किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उसको हम यहाँ पर करेक्ट आंसर के हिसाब से हम इसको चूज करने वाले हैं तो हम सबके एक एक, एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ के अच्छे समझ पाएंगे ठीक है सबसे पहला मैंने बता दिया एच एफ का एच एफ का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है इधर है जिधर निगेटिव चार देशों ना डायरेक्शन उधर ही होता है डाइपोल का ठीक है तो इसका मैंने बता दिया सेकंड हम देख लेते हैं हमारा है एनएफ एन एफ थ्री एनएफ थ्री का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा और आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये सबको देखने के लिए फर्स्ट वीडियो को देखिए उसमें मैंने एक रफली एक आइडिया बताया है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे ये भी एक बार बार बता देता हूँ कि नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है पाँच इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बैलेंशल में पाँच होता है तो तीन तो फ्लोरिन के साथ क्या किया बॉन्ड बना लिया है ना एक बचा दो इलेक्ट्रॉन जो बचा है यही क्या है हमारा ये हमारा लोन पेयर है तो यहाँ पर मैंने उसी को ड्रॉ किया हुआ है ठीक है तो इसको देख लेंगे आप अब देखिए यहाँ पर ये हो गया सेकंड का मैं एक एक को पहले ड्रा कर लेते हैं सबको ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का भी मैंने सॉरी वाटर मालफुल का दो हाइड्रोजन से बाउंड बनाएगा और इसमें दो लोन पेयर्स होते हैं एक दो ये दो लोन पेयर्स होते हैं मतलब ठीक है ये हो गया थर्ड और एक लास्ट है हमारा एन की बात करते हैं एनएस में देखते हैं तो ये हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन और यहाँ पर हो गया आपका एक लोन पेयर तो इस टाइप से स्ट्रक्चर इस इसका बनता है और फ्लोरिन को तो हमने देखा ये गुरॉर बनाते हैं एच है। का है है। है। तो एच एफ हो गया ये इसका लोप्स इस टाइप से है मतलब इस तरफ इसका निगेटिव चार्जेस है क्लियर डाइपोल डायरेक्शन मैंने बता दिया अब इसमें हम कंपेरिजन कर रहे हैं हमें किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा तो देखिए अब सबसे पहले देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड लास्ट वाले में इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट हो रहा है वो एक ही तरफ हो रहा है सीधा इसी तरफ जा रहा है है ना डायरेक्शन मैंने बना दिया तो इसमें कोई कैंसल आउट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक तरफ जो फ्लोरीन है अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है मतलब डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा क्यों अभी हम एक ही डायरेक्शन में है अब एक एक करके सब एग्जाम्पल देखो अब जिससे एन एस थ्री को देखते हैं तो जो लोन पेयर है तो लोन पेयर अपनी और इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींच रहा है ये तो क्लियर दिख रहा है आपको कि लोन पेयर अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसका डायरेक्शन ऊपर साइड है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो नाइट्रोजन से कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाता तो इसका डायरेक्शन भी ऊपर हो गया अब ऊपर का देखो एन एफ थ्री वाले में इसमें लोन पेयर है डायरेक्शन ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है बट इसमें जो तीन फ्लोरिन कनेक्टेड है वो तीनों फ्लोरिन भी अपने अपने और इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा खींच रहा है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो क्या हो रहा है जो ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है है ना जो ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसके नीचे ही तीन फ्लोरिन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है तो एक दूसरे को थोड़ा कैंसल आउट कर रहे है तो जितना डायरेक्शन से लोन पेयर जो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था वो थोड़ा कैंसल आउट होकर थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि तीन फ्लोरिन भी अपनी ओर खींच रहा है तो अगर हम इन दोनों में कंपेरिजन करें एनएस थ्री और एन एफ थ्री में तो ज्यादा किसका हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा आपका एन एस थ्री का रीजन क्या है कि एन एस थ्री में एन एस थ्री से ज्यादा एन एफ थ्री रीजन क्या है एन एस थ्री में क्या है? आपका हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक डिटू इतना है नहीं कि वो खींचे लेकिन फ्लोरीन क्या करता है खींचता है तो वो कैंसल आउट हो जाता है तो वैल्यू कम हो जाता है क्लियर है अब इसमें देखते हैं हाइड्रोजन में तो वाटर मालिकूल की बात करें तो इसमें दो दो लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर क्या कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का ट्राई कर रहे हैं कर रहे हैं ना तो ओवरऑल ऊपर के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसको कैंसल आउट करने वाला नहीं है कैंसल आउट कैसे होता है पीछे से होता है अगर हम कोई नीचे से ऐसा कुछ ग्रुप लगाए जो इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे तब डाइपोल मोमेंट उसका कम होगा तो सबसे हाईएस्ट किसका हो गया आपका एच एफ का हो गया क्योंकि फ्लोरिन हाईली इलेक्ट्रोनिकेटिव एलिमेंट है तो सबसे हाईएस्ट हो गया फ्लोरिन का उसके बाद आपका होगा वाटर मॉलिक्यूल का फिर आपका होगा एनएस थ्री का फिर आपका होगा एनएफ थ्री का तो इसलिए आंसर क्या है इसका ए सॉरी बी सबसे पहला ए का है देखिए का है उसके बाद सी मतलब वाटर का है फिर डी मतलब एन थ्री का है और लास्ट में है आपका एफ थ्री एन एफ थ्री आपको डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चंस को बनाने आना चाहिए इसके लिए आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है कितने लोन पेयर्स हैं कितने बॉन्ड्स हैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है कौन इलेक्ट्रॉन में देखिए लोन पेयर जहां पर है ना लोन पेयर है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है मतलब लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऊपर साइड ही है ना तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक उसके ऊपर हो गया उसके बाद कितना कैंसल आउट हो रहा था इस चीज को आप एनालिसिस करके ना अगर आप डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन बनना डन हो जाता है ठीक है ये मैंने रफली बता दिया डाइपोल मोमेंट को लेकर के अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन अब इन चारों में हमें क्या करना है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करना है देखिए अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसका सिलिकॉन का 14, ये 15, ये 16 और ये 17। तो यहाँ से जब प्रियल टेबल हम पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है छोटा होता जाता है मान लीज इसका साइज इतना है सेम सेल सेम है बट साइज थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है है ना यहाँ पर रफली बना नहीं है मेरा एग्जैक्ट तो हम हम जानते हैं कि साइज क्या होता है इधर बढ़ा है है ना तो मतलब इधर जाने पे क्या हो रहा है साइज सिलिकॉन से लेकिन क्लोरीन तक जाने पे साइज क्या हो रहा है छोटा हो रहा है और जब साइज छोटा हो रहा है ना तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत टफ है देखिए सबसे पहले समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या जैसे मान लो सोडियम की बात करें हम तो सोडियम है इसमें से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस बनता है एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है ना तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ता है इस सोडियम को वो कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी इस चीज को भी याद रखेंगे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें किसी भी एलिमेंट को देना पड़ता है उसके बाहरी कोस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है वो कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी तो अब देखिए साइज अगर छोटा होते जा रहा है सिलिकॉन्स लेके क्लोरिन के साइड तो साइज छोटा हो रहा है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा तो होना क्या चाहिए क्लोरीन में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए फिर सल्फर में फिर फास्फोरस में फिर सिलिकॉन में होना चाहिए बट यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन है कि सिलिकॉन में सबसे कम फिर उसके बाद सल्फर है फिर उसके बाद फास्फोरस है फिर क्लोरीन है इसी यही ट्रिक है क्वेश्चन का रीज़न क्या आप देख लेते हैं देखिए क्लोरीन तो सबसे पहले आंसर क्या है बी क्लोरीन सबसे आगे है ये हमने सोचा था सही है सिलिकॉन सबसे पीछे है बस सल्फर और फास्फोरस में चेंजेस आ गया है तो सल्फर और फास्फोरस का हमें क्या निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो सल्फर का देखते हैं सिस्टिन है तो क्या होता है ये टू एट सिक्स या फिर इसको बोलेंगे तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स और थ्री एच टू और थ्री पी फोर ये सल्फर हो गया लेकिन अगर यहीं पर क्लोरीन की बात करेंगे हम सॉरी क्लोरीन बोलता हूँ फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फॉस्फोरस फिफ्टीन दे क्या होगा वन एस टू ये होगा टू एच टू टू पी सिक्स थ्री एच टू और थ्री पी थ्री तो देखिए थ्री एच टू और थ्री पी थ्री इसमें क्या है थ्री एस टू और थ्री पी फोर है डिफरेंस यहीं पर है तो थ्री एस टू अगर हम बनाए हैं तो थ्री एस टू ये हो गया और थ्री पी बनाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तीनों डिब्बे में ना ये हो गया अब ये हो गया इसके बाद अगर सल्फर का बनाया तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और इसमें भी अगर तीन इलेक्ट्रॉन और बनाते हैं हम लोग इसमें चार इलेक्ट्रॉन है तो एक दो तीन और चार तो देखो इस जो फॉस्फोरस का केस है उसमें ये क्या है ये हाफ फील्ड है क्या है ये हाफ फील्ड है अब हमने पढ़ा है कि फुल फील्ड हाफ फील्ड हाईली स्टेबल हो जाता है नॉर्मल कॉन्फिगरेशन से तो ये क्या है स्टेबल है ये फास्फोरस जो है हमारा ज़्यादा स्टेबल है ज़्यादा स्थाई है तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है ना तो हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा स्टेबल है मतलब हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब उसको हम अनस्टेबल कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज़ कंपेयर टू सल्फर क्योंकि सल्फर क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा सल्फर जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना तो बल्कि और स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये है तीन इलेक्ट्रॉन हो जा रहे इसमें एक हाफ फील्ड हो जा रहे है तो हाफ फील्ड स्टेबल हो गया इसीलिए फास्फोरस में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है किससे सल्फर से तो आंसर क्या हो गया सबसे हाईएस्ट क्लोरीन है क्योंकि क्लोरीन की साइज छोटा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला है देने वाला नहीं है तो क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा फिर फॉस्फोरस होगा फिर सल्फर फिर सिलिकॉन होगा तो इन सब कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आप कन्फ्यूजन हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जरूर बनाए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब हम कर लेते हैं ना और जब हम ऑर्बिटल के फॉर्म में डिब्बे के फॉर्म में बना लेते हैं ना तो हमें बहुत कुछ दिख चीज दिख जाता है केमिस्ट्री में प्रॉब्लम यही है कि हम बनाना नहीं चाहते ऊपर से हम देखते हैं ना तो प्रॉब्लम यहीं पर फंसता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं वैन द फॉलोइंग फाइव एनस आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस द करेक्ट सिक्वेंस आयोनिक रेडियस डिक्रीज होते जा रहे हैं अब कैसे देखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं जैसे मान ले लिखते हैं कि ऑक्सीजन होता है सल्फर होता है और सेलेनियम अगर एक ग्रुप की हम बात करें ऑक्सीजन वाला फिर होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जब तक आप ऐसा लिखेंगे नहीं ना आपको कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम होगा अब देखिए ये एक एक ग्रुप वाला है ये एक आवर्थ वाला है ये एक अलग है मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं तो हमें पता होगा कि अगर इसमें मान लो दो सेल हैं तो नीचे वाले में कितने सेल होंगे तीन सेल होंगे ना इस टाइप से कौश रहता है इसके बाद कितना होगा इसमें चार सेल होगा तो जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते जाते हैं ना नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज होता है क्या इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ़ सेल्स कोसों की संख्या क्या होता है वो इंक्रीज होता है इस चीज़ को तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं अगर कोसों की संख्या या फिर सेल अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब साइज उसका बड़ा होगा तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा आयोडीन का होगा इसीलिए आयोडीन तो फर्स्ट में आ, आना ही आना है अच्छा चार्जेस को बाद में देखेंगे माइनस प्लस को पहले क्या है हम देख रहे हैं यहाँ पर आयोडीन का सेल आयोडीन एक एक्स्ट्रा सेल के साथ तो साइज सबसे बड़ा हो गया अब बात आती है देखिए अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में ये दोनों सेम पीरियड में है दोनों सेलेनियम और ब्रोमिन क्या है सेलेनियम और ब्रोमिन अब यहाँ पर देखा जाएगा कि किसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है मैं आपको बता दूं कि साइज बढ़ता कैसे है अगर उसमें प्लस है चार्ज मतलब साइज छोटा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने दिया है तो अट्रैक्शन और बढ़ गया तो साइज आपका छोटा हो गया लेकिन अगर उसमें निगेटिव चार्जेस है मतलब इलेक्ट्रॉन और हमने एड किया है बाहर से तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपलसन होने की वजह से साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो निगेटिव चार्जेस जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा क्लियर है ये तो अब देख लेते हैं यहाँ पर ब्रोमिन में भी एक निगेटिव चार्जेस है और सेलेनियम में दो निगेटिव चार्जेस है तो सेलेनियम और जो ब्रोमिन है वो सेम पीरियड में है मतलब सेल तो सेम है इसमें नंबर ऑफ सेल्स सेम है बट सेलेनियम में क्या टू माइनस है दो निगेटिव चार्जेस है तो उसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा ब्रोमिन से इसलिए फर्स्ट हो गया आयोडिन माइनस जिसमें मैंने बता दिया आयोडीन में एक्स्ट्रा सेल है फिर उसके बाद है सेलेनियम फिर उसके बाद है बी आर माइनस अब फिर वही क्वेश्चंस पे आते हैं अब देखिए थर्ड ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो सेम ऑक्सीजन में एक फ्लोरीन में एक एक माइनस है ऑक्सीजन में टू माइनस दो माइनस है मतलब बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेम पीरियड की बात है ना इस चीज को आप लिखेंगे क्वेश्चन को तब आपको समझ में आएगा जब आप रफली आप, आपको टेबल याद भी होना चाहिए ग्रुप वाइज याद होना चाहिए ताकि आपको कंपेरिजन करने में इजी हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर टू माइनस लगा है, मतलब साइज इसका बड़ा हो गया इस बार फिर फ्लोरिन सबसे माइनस हो गया सिंगल है तो इसलिए सिक्वेंस क्या होगा सबसे पहले आयोडीन माइनस फिर सेलेनियम टू माइनस फिर ब्रोमीन माइनस फिर ऑक्सीजन टू माइनस फिर फ्लोरीन माइनस ये हो गया सीक्वेंस ठीक ये मैंने बता दिया साइज को लेकर के आपको कैसे एनालिसिस करना है अगला क्वेश्चन चलते हैं मोस्ट पोलराइज एन आइन एमंग फॉलोइंग इसमें भी पोलराइजेशन देखते हैं तो सब सबके स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले सबसे सब पहले सल्फर का बनाते हैं तो सल्फर देखिए ऐसे होगा है ना मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है अपने पुराने इससे पहला लेक्चर में उसको जरूर देखें ये हो गया सल्फर की स्ट्रक्चर इसका अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे सी डबल बॉन्ड है ना सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि हमें ऑक्सीजन को कंप्लीट करना है ठीक है देखते हैं जो भी जैसे भी है ये ऑक्सीजन माइनस हो गया एक ये हो गया डबल बॉन्ड फिर इधर एक डबल बॉन्ड कर देते हैं यहां पर हो गया माइनस ये हो गया इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो N डबल बॉन्ड एन ओ थ्री माइनस इसकी बात करेंगे तो क्लोरीन है और इसमें ये माइनस। ठीक है अब देखिए डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट में मैं पहले ही बता दिया हूं कि देखिए यहाँ पर ये माइनस है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है इधर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसको कैंसल आउट भी हो रहा है कि इधर से ये दो ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है ये कैंसल आउट भी हो रहा है ना जितना इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन इधर डाउन खींच रहा है उतना ही ऊपर भी जा रहा है तो डाइपोल मोमेंट इसका उतना जीरो तो नहीं होगा बट थोड़ा कम हो जाएगा डाइपोल मोमेंट थोड़ा वैल्यू कम है इसका ठीक है अब इसमें देखिए इधर जितना माइनस खींच रहा है उतना ही माइनस इधर खींच रहा है इधर जितना वो खींच रहा है उतना ही इधर उतना खींच रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा उसके बाद इस इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के इधर खींच रहे तो दो ऑक्सीजन भी इसको उतना ही उधर अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बट इसमें देखिए इसमें एक खींच रहा है तो बाकी तीन क्या है एक तरफ खींच रहा है तीन के तीन उसको क्या कर रहे एक तरफ खींच रहे हैं है ना तो इसमें डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एक तरफ ज्यादा होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट हमें हमें ज्यादा दिखने को मिलेगा देखिए सब सब के सब में डाइपोल मोमेंट सब में डाइपोल मोमेंट है ना इसमें छोड़ दे तो ये डायपोल मोमेंट जीरो है क्योंकि डायरेक्शन सेम है या फिर थोड़ा बहुत इसमें भी डाइपोल मोमेंट है सब में है बस हाइएस्ट में पूछा था मोस्ट पोलराइज पूछा है मतलब कौन ज्यादा पोलर है पोलर होना मतलब डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा आपका डी सी एल ओ फोर माइनस ठीक है तीस टाइप से एनालिसिस करना है आपको है ना जब देखिए आप इसमें वैल्यू तो आप याद नहीं रख सकते कितना कितना डाइपोल मोमेंट किसका है बस आपको क्या करना है उस टाइम चार जो ऑप्शन दिया जाएगा ना उसके बेस पे एनालिसिस करने सीखना है कि जो भी ऑप्शन हमें दिया जाता है ना हम कैसे उसको एनालिसिस कर पा रहे हैं उसमें से आप कंपेरिजन करके आपको बनाना है केमिस्ट्री इसीलिए आसान है क्योंकि जब जो जितना दिया जाएगा उसी पर बनाना है आपको है ना कोई रटना नहीं है अगला देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आ भी सकता है इससे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक सिंपल सा फंडा है उसको पहले हम देख लेते हैं अगर नाइट्रोजन तक नाइट्रोजन मतलब फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है ना एक नाइट्रोजन में सात इलेक्ट्रॉन तो एन टू मॉलिकूल में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन चौदह इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ तक कौन सा रूल फॉलो करना है सिग्मा वन एस को पहले फिल करना है फिर सिग्मा स्टार वन एस को फिल करना है फिर सिग्मा टू एस को फिल करना है फिर सिग्मा स्टार टू एस को फिल करना है ठीक है उसके बाद आपको किसको फिल करना है इसको भी बता देते हैं अभी क्योंकि देखिए जब तक हम अच्छे से जानेंगे नहीं ना हमें प्रॉब्लम तो होगा तो इसके बाद है सिग्मा स्टार फिर उसके बाद है पाई टू पी एक्स देखिए पाई टू पी एक्स उसके बाद टू पी आई को फिल करना है फिर आपको सिग्मा टू पी जेड को फिल करना है फिर उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स उसके बाद पाई स्टार टू पी आई वाई और लास्ट में है आपका सिग्मा टू पी जेड सिग्मा टू पी जेड ये हो गया नाइट्रोजन तक को ऐसे फिल करते हैं अब मैं बता दूं यहां पर सिग्मा एक बॉन्डिंग को दिखा रहा है लेकिन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग को दिखा रहा हैं है ना वैसे यहां पर पाई जो है वो बॉन्डिंग को दिखा रहा है पाई बॉन्ड को लेकिन पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग को दिखा रहे हैं तो इसी सीक्वेंस में आपको फिल करना है मैं बता दूं आपको एक सिग्मा ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है है ना सिग्मा हो चाहे सिग्मा स्टार हो लेकिन पाई में भी दो इलेक्ट्रॉन फिल करना है लेकिन दो पाई है तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई है दो दो करके यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हम बेसिक पढ़ते भी हैं यहाँ पर और रफली हम उसको फोकस नहीं करेंगे अब देखते हैं कैसे करना है ठीक है तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के देखो नाइट्रोजन तक ये वाला कॉन्सेप्ट होगा नाइट्रोजन मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक ना तो 14 से जैसे फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन हुआ वो सेकेंड वाले रूल्स में चला जाएगा उसको भी देख लेते हैं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 14 मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इसके लिए क्या रूल है इसमें भी सिग्मा वन एस पहला रहेगा फिर आपका सिग्मा स्टार रहेगा फिर आपका सिग्मा टू एस रहेगा फिर आपका सिग्मा स्टार टू एस रहेगा इसके बाद चेंज है यहां पर वन टू टू वन हो जाता है देखते हैं फिर इसके बाद क्या हो जाता है पाई टू एक्स पी एक्स पाई टू पी वाई हो जाता है है ना पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई उसके बाद सीगमा टू पी जेड हो जाता है क्या हो जाता है मिनट मिनट ना इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया तो सेम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर होगा सिग्मा पहले आ जाएगा है ना वन टू टू वन मतलब देखिए यहाँ पर यहाँ पर पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई है फिर सिग्मा टू पी जेड है लेकिन जब मोर देन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन होता है सिग्मा टू पी जेड पहले फिल होता है फिर आपका पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई फिर आपका पाई स्टार टू पी एक्स फिर पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा टू पी जेड इसको अगर हम उस क्रम में भी लिख दें जैसे एनर्जी क्रम जैसे कि इसके बाद इसको फिल करना है इसके बाद इसको तब तो और दिखेगा ये है ना ये दोनों इक्वल होते हैं तो एक साथ रह गए ये उसके बाद आपका ये आपका एनर्जी होने के बाद ये हो जाएगा ये नहीं रहेगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी आई को आप इक्वल लिखना पड़ेगा ना आपको क्योंकि वो एक साथ फील होता है वो उसके बाद है सिग्मा सिग्मा स्टार टू पी जेड ऐसे इसमें भी देखेंगे ये हो जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा फिर आपका ये हो जाएगा और ये ये हम पढ़ते भी इलेवेंथ में सीरीज को आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है इसी में सबको फिल करते जाना है चारों के लिए हमें एक एक करके एग्जाम्पल सब बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है तो एक एक करके मैं देखता हूँ यहाँ पे बताते जा रहा हूँ आप लोगों को है ना सबसे पहले देखते हैं एन टू मालिक्यूल के लिए एन टू मतलब फोर्टीन इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट वाले में फिल करिए चौदह इलेक्ट्रॉन है तो एक दो इलेक्ट्रॉन तीन चार इलेक्ट्रॉन पाँच छः सात आठ इलेक्ट्रॉन फिर देखेंगे नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह इलेक्ट्रॉन क्लियर तो इसमें देखिए जो सिग्मा वाला है ना मैं यहां पे बता दूं जितने स्टार वाले हैं स्टार वाला जो है वो सब क्या है एंटी बॉन्डिंग है स्टार वाला क्या है एंटी बॉन्डिंग है ये सब है ना ये सब क्या है एंटी बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है ये भी सिग्मा स्टार है तो भी एंटी बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग का जो रूल होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का रूल जो होता है वो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई टू तो जो इतना स्टार वाला है एंटी बॉन्डिंग है नॉर्मल वाला बॉन्डिंग है तो कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे बॉन्डिंग देखते हैं तो ये वाला दो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग है ये भी दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग दो दो चार हो गया फिर ये भी क्या है बॉन्डिंग है छः आठ और दस तो दस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग हो गया माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने देख लेते हैं ये वाला एंटी बॉन्डिंग है दो चार और आपका एंटी बॉन्डिंग इधर है दो और दो चार बस है तो चार डिवाइडेड बाई क्या करेंगे टू तो कितना हो गया सिक्स डिवाइड बाई टू मतलब थ्री इसका ऑर्डर कितना निकला थ्री निकल गया आपका किसका एन टू का थ्री निकला क्लियर है अब इसी में अब एन टू माइनस का निकालना है हमें अब देखिए सेम आपको इसे क्वेश्चन को बनाना है एन टू माइनस में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एड करना है तो कहां पर एड होगा वो दिख रहा है आपको इस पाई स्टार टू पी एक्स में एड होगा।, होगा ना खाली है ये पाई स्टार टू पी एक्स अब जितना सब फुल हो गया तो किस में जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बॉन्डिंग कितना है बॉन्डिंग दस का दस है? बॉन्डिंग कितना हो गया एंटी बॉन्डिंग होगा आपका पांच तो डिवाइडेड बाई टू तो कितना हो जाएगा फाइव बाई टू तो कितना हो गया टू पॉइंट फाइव यहीं से हम लोगों ने निकाल लिया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन माइनस तो आपको इस टाइप से याद रखना है नाइट्रोजन जैसे निकाल लिया इलेक्ट्रॉन उसमें एड करना है तो किस में जाएगा अगला ऑर्बिटल में ही जाएगा तो पाई स्टार टू पी एक्स में चला गया तो ये कितना हो गया टू पॉइंट फाइव हो गया है ना वैसे सेम हमें क्या करना है देखो अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन माइनस में आपने देख लिया कि नाइट्रोजन में एन टू में थ्री आता है और एन टू माइनस में कितना आ गया फाइव सेम हम ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं जैसे अब ऑक्सीजन के लिए देखिए ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने सिस्टीम सिस्टीम इलेक्ट्रॉन है मतलब ये कौन से नीचे वाला रूल में जाएगा मोर देन फोर्टीन वाले पे तो फिल करते हैं यहाँ पे देखिए नीचे वाले में एक दो इलेक्ट्रॉन तीन चार इलेक्ट्रॉन पाँच छः सात आठ हो गया नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह क्लियर तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने देखिए बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पर देख लेते हैं दो चार छ आठ दस तो दस इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग हो गया एंटी बॉन्डिंग में देख लेते हैं ये हो गया दो चार और ये हो गया छ तो छ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर बाय टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला ऑक्सीजन के लिए ओटो मॉलिक्यूल के लिए निकला है दो अब वैसी ओ टू माइनस निकालेंगे क्या निकालेंगे ओ टू माइनस तो ओ टू माइनस के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है फिर वो किस में जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में ही जा रहा है याद रखें किस में जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में ही जाएगा ना पाई स्टार टू पी वाई में जाएगा वन मिनट यहाँ पर ना थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है है ना आंसर तो सेम आएगा बस फिलिंग को लेकर के कि पाई पाई स्टार जो टू पी एक्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा और पाई स्टार टू पी वाई में भी आपका एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा एक एक करके फिल करना है हमें से याद रखना पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई को एक एक करके फिल करना है है ना एक क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल इक्वल होता है तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आंसर सेम आएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में चार है अब हमें अब हमारी बात करते हैं ओ टू माइनस की किसकी बात करेंगे ओ टू माइनस की तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एड हो गया सत्रह इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा पाई स्टार टू पी वाई में यहाँ पर देखिए पाई स्टार टू पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा दस माइनस सात हो जाएगा और बचेगा दो तो कितना हो जाएगा सात थ्री थ्री बाई टू मतलब वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव अब देखिए तो सबसे हाईएस्ट हमने देखा एन टू में फिर हमने देखा एन टू माइनस में फिर हमने देखा ओ टू में फिर हमने देखा ओ टू माइनस में क्लियर ये वाला तो गलत है सबसे पहले हमने किस में देखा एन टू में देखा ना एक मिनट इसका आंसर देख लेते हैं एग्जैक्टली एन टू में हम भी देखे एन टू में हमने देखा अभी तीन इलेक्ट्रॉन था हाँ आंसर फर्स्ट ही है सही है क्लियर ये है क्योंकि अभी हम लोग सोच रहा था प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या तो एन टू में कितना निकला थ्री निकला था एन टू माइनस में कितना निकला था टू पॉइंट फाइव निकला था ऑक्सीजन ओ टू में कितना निकला था टू निकला था और ओ टू माइनस में कितना निकला था वन पॉइंट फाइव तो हमने ये सिंपल है मेथड आप इसको सिस्टमेटिक बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पर से जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अब देखिए अगर पूरा इलेक्ट्रॉन पेयड है पूरा इलेक्ट्रॉन अगर पेयड है ना तो उसको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक क्या बोलते हैं उसको डाई मैग्नेटिक इस चीज को भी याद रखना है उसको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक क्या बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक ठीक है तो देखिए सबसे पहले जैसे एन टू में था एन टू में पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया था तो एन टू क्या है हमारा डाई मैग्नेटिक है लेकिन एन टू माइनस में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया अनपेयर्ड हो गया तो ये एन टू माइनस क्या है हमारा पैरा मैग्नेटिक है ओ टू माइनस भी पेयर्ड था तो ये डा नहीं था ओ टू माइनस में एक एक इलेक्ट्रॉन था ना दोनों पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी आई में एक एक इलेक्ट्रॉन थे ते भी क्या होगा आपको पैरा मैग्नेटिक होगा क्या होगा पैरा मैग्नेटिक और ओटू माइनस भी क्या आपका एक इलेक्ट्रॉन है इसमें तो भी क्या होगा पैरा मैग्नेटिक तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है जो आता है क्वेश्चन में आगे हम इसको ही देखेंगे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए देखिए यहाँ पर ओटू हमने ओटू को देखा है ओटो में क्या हो रहा था हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था टू और क्या हो रहा था पैरा मैग्नेटिक क्योंकि इसमें पाई स्टार

ज्यादा माइनस है तो ऐड कर देंगे तो ये आपको क्वेश्चन है इसको आप अपने से करेंगे है ना इसमें आंसर को भी मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि ओ टू माइनस का क्या, क्या क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे क्योंकि ये चीजें वही है जो मैंने ऊपर में बता दिया उसको आपको फिल करना है ठीक है अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटेटिविटी नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन और सिलिकॉन क्या क्या हमारे पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस है अब देखो इसको भी कैसे समझते हैं सबसे पहले लिखते हैं इसको टेबल के फॉर्म में है, है ना देखिए नाइट्रोजन के नीचे में क्या होता है फॉस्फोरस अब टेबल में क्या होता है कार्बन नाइट्रोजन तो कार्बन पहले होगा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है ना कार्बन के नीचे में क्या होता है सिलिकॉन पता है पेटोजन जब डाउन इधर जाते हैं तो हमें क्या होता है साइज छोटा होता है डाउन जाते हैं साइज बड़ा होता है तो कार्बन और नाइट्रोजन में साइज किसे छोटा होगा नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा तो नाइट्रोजन का साइज छोटा तो मतलब अट्रैक्शन ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा मतलब खींचने का पावर ज्यादा है तो नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से खींचेगा कार्बन से ये क्लियर हो गया सेम इसमें भी देखेंगे फॉस्फोरस और सिलिकॉन में तो फॉस्फोरस ज्यादा साइज छोटा होगा तो फॉस्फोरस ज्यादा अच्छे से खींचेगा किसके किसकेरिजन में

कम होते जा रहा है इधर अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनिकेटिविटी उसका कम होते जाएगा तो इसलिए नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो सबसे ज्यादा दोनों कंपेरिजन किया तो कार्बन का साइज का का और नाइट्रोजन साइज में नाइट्रोजन छोटा है फॉस्फोरस और सिल्का में फॉस्फोरस छोटा है और बाकी डाउन द ग्रुप जाने पर साइज तो पड़ता ही है तो फिर ये आंसर इसका हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है जैसे मान के चलेंगे क्लोरीन है क्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन एड कर रहे हैं क्लोरीन में हम एक इलेक्ट्रॉन एड कर रहे हैं ना तो एनर्जी एड होगा माइनस चार्जेस बनता है इसमें है ना जैसे आयोनाइन एनर्जी में हम क्या देखा था प्लस बनता था इलेक्ट्रॉन निकलता था तो, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एड करेंगे तो माइनस बनेगा और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था एनर्जी देना पड़ता है लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होता है तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज होता है यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इनक्रीज़ होगा ठीक अब इसमें आपको क्वेश्चन देख लेते हैं देखो इसका आंसर मैं बता दूं आपका सल्फर सेलेनियम ऑक्सीजन है देखिए क्यों है ऐसा चीज़ देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का होता है जबकि होना किसका चाहिए हमें लगता है क्या है फ्लोरिन का क्योंकि फ्लोरिन का साइज छोटा है क्लोरिन से बट होता कि इसका है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरिन का रीजन क्या है क्योंकि जो फ्लोरिन है उसका देखो फ्लोरिन दो सेल में है फ्लोरिन की बात करें कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है दो सेल्स में बने होते हैं और क्लोरिन जो है वो तीन सेल्स वाला है ना एक सेल नीचे पड़ जाता है वैसे सेम सल्फर की बात करें सल्फर भी क्या है तीन सेल वाला है तो हमेशा याद रखेंगे जो दो सेल्स वाले जो ग्रुप आवर्त में जो पीरियड्स है ना उससे ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीन सेल वाले रीजन क्या है हमें इलेक्ट्रॉन जब एड करेंगे ना तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए तो इनके पास क्या होता है जो जो क्लोरीन हो गया कि आपका सल्फर हो गया इनके पास क्या है थ्री डी ऑर्बिटल्स हैं और थ्री डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपने पास रख पाएगा एज कम्पेयर टू फ्लोरिन और ऑक्सीजन क्योंकि फ्लोरिन ऑक्सीजन के पास साइज छोटा है और उसके पास डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एड कर रहा है तो उसमें रिपल्सन बहुत होता है तो अनस्टेबल हो जाता है तो याद रखना है हमेशा कि जो सेकेंड पीरियड वाला ग्रुप है जो कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन जो ग्रुप आता है ना इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वाला का होता है क्योंकि रीज़न ये है कि इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसीलिए सल्फर का हाईएस्ट होगा ऑक्सीजन से ज़्यादा तो सल्फर का होगा ही होगा बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है सल्फर का साइज और छोटा होने की वजह से सेलेनियम का भी ज़्यादा हो जाता है सल्फर के बाद सेलेनियम सेलेनियम के बाद ऑक्सीजन क्योंकि एक ग्रुप में है ना ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम तो सल्फर का सबसे ज़्यादा फिर सेलेनियम फिर ऑक्सीजन तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे कंफ्यूजन बहुत होता है कि इलेक्ट्रॉनिगिटी सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इक्ट्रॉनगेटिविटी में देखिए इलेक्ट्रॉनगेटिविटी पूछा जाए सबसे ज्यादा तो फ्लोरिन का होता है कोई डाउट नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब से पूछा जाए पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा किसका होता है तो क्लोरिन का होता है इस चीज को आप अच्छे से याद रखें है ना पढ़े भी होंगे तो इलेक्ट्रॉनगेटिविटी में फ्लोरिन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो क्लोरिन रीजन क्या है थ्री डी ऑर्बिटर्स थ्री डी ऑर्बिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसीलिए ये गलत है इसका आंसर क्या होगा अगर फर्स्ट में देखें तो फ्लोरिन सबसे हाईएस्ट होगा फिर फ्लोरीन होगा फिर ब्रोमीन होता है वैसे सेम फास्फोरस होगा उसके बाद आपका आर्सेनिक होगा फिर नाइट्रोजन होगा सबसे क्वेश्चन सही है और ये तो ये तो तो गलती है क्योंकि कार्बन ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ठीक अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कब यहाँ पे कंडीशंस को अप्लाई किया जा रहा है ना तब देख लेते हैं और सबसे पहले कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कार्बन नाइट्रो सबका हमें क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन और फ्लोरिन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें करना पड़ेगा तो इसमें क्या होगा टू एस टू और टू पी टू होता है मैं कैक करके पे बना रहा हूँ सबको है ना ठीक है दो इलेक्ट्रॉन हो गया नाइट्रोजन की बात करेंगे टू एस टू और टू पी थ्री होता है देखो आपका काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अच्छे से पढ़ के रखना है क्योंकि अगर आपको ए पी बनना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो आना ही चाहिए ठीक है अब इसको नीचे बना लेते हैं हम है ना ये तो हो गया नाइट्रोजन आते हैं नीचे में ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2s2 2p4 2s2 तो एक दो तीन और चार उसके बाद है फ्लोरिन 2s2 2p5 तो इसमें भी एक दो और कितना लेंगे पांच है ना तो एक दो तीन चार पांच क्लियर यहां तक अब देखते हैं अब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में हमें रिमूव करना है क्योंकि फर्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात किया गया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उसके बाद की बात है ना तो सब एक एक, एक, एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं फर्स्ट जैसे इसमें निकाल दिए तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया एक डिब्बा खाली हो गया टू एस टू से है ना टू एस टू टू पी है ये उसके बाद इसमें से मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया देखते हैं इसको भी ये हो गया इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑक्सीजन का है ना ये हो गया और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं किसको? एक इलेक्ट्रॉन एक 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 को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं ना? इसमें कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा ठीक है अब हमें देखना है कि स्टेबल कौन है कौन नहीं है तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा है ना कि स्टेबल के लिए कौन है देखिए ये हाफ फील्ड है ये क्या हो गया ऑक्सीजन का हाफ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्सीजन हाफ फील्ड हो गया जब हाफ फील्ड हो गया मतलब ये इसका स्टेबिलिटी आपको हाईएस्ट होगा इन सभी चारों में कंपैरिजन करेंगे तो हाईएस्ट किसका है इसमें ऑक्सीजन उसके बाद है ना उसके बाद किसना है देखिए इसमें तो हाफ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को तो खाली है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो खाली है मतलब इलेक्ट्रॉन ले और रिलीज इजीली कर सकता है इलेक्ट्रॉन भी चाहिए बट हाफ फील्ड स्टेबल हो गया फिर उसके बाद तो साइज वाला मैटर करेगा तो साइज में कौन है फ्लोरीन फ्लोरीन के साइज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐसे भी होता है तो फ्लोरीन होगा उसके बाद कौन सा होगा नाइट्रोजन होगा अब देखिए साइज वाला मैटर कर रहा है फ्लोरीन का साइज छोटा होता है नाइट्रोजन से छोटा होता है कार्बन से तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये अब ज़्यादा एनर्जी लगेगा इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके बाद नाइट्रोजन उसके बाद कार्बन तो हाइएस्ट किसका हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हाइस्ट होने का रीजन ये है हाफ फील्ड सेकेंड की बात करो ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने की बात तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखें कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें तो इसका आंसर क्या होगा ऑक्सीजन फ्लोरिन नाइट्रोजन और कार्बन लास्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज तो पहले ही बता दिया हूँ माइनस जैसे रहेगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो सबसे पहले देखिए ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का साइज़ अब क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन में तो एक एक्स्ट्रा सेल है पहले से दो सेल है ये तीन सेल है तो इसमें कितना है? इसमें चार सेल होगा ये साइज तो बड़ा ही है ब्रोमीन का लेकिन ब्रोमीन माइनस सबसे बड़ा होगा क्योंकि जैसे मैंने बोला कि माइनस चार लगा मतलब साइज बड़ा हो जाएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद फिर प्लस है मतलब साइज छोटा हो जाएगा तो ब्रोमीन माइनस सबसे हाइएस्ट होगा उसके बाद ब्रोमीन का होगा फिर ब्रोमीन प्लस होगा फिर लास्ट में होगा आपका क्लोरीन माइनस ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड इसका आंसर हो जाएगा ठीक तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर से जो बचा हुआ था है ना उसको भी एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं ये तो पूरा क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिस एक्सबिट स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल आपको बनाना है यहाँ पर है ना स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे होगा मान लो सेंट्रल एटम है यहाँ पे चार हम बॉन्ड हमने बना दिए तो ये होता है स्क्वायर स्क्वायर होने के बाद इसमें एक और एटम होना चाहिए जो पिरामिड जैसे ऐसा करके दिखना चाहिए तो इस टाइप से अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल अब देखते हैं किसमें किसमें में ये पॉसिबल है सबसे पहला बी आर एफ फाइव बी आर एफ फाइव में ब्रोमिन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात और फ्लोरिन का सिंगल बॉन्ड वाला है तो इसको जोड़ेंगे सात पाँच दो मतलब सात पाँच बारह बारह बाई दो मतलब सिक्स सिक्स मतलब होगा एस पी थ्री डी टू ठीक है एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री डी टू मतलब होता है स्ट्रक्चर आपका ऑक्टा हेड्रल आपको क्या करना है स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है सब करना कौन से हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है तो ऑक्टा हेड्रल होगा मतलब बनना कैसे चाहिए था तो देखो बी आर फाइव है अब देखिए इसको हम लूइज इस डॉट स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं हमें आसानी से समझने के लिए तो बी आर है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो मैंने बताया था सात होता है ये तो इसमें से कितना बॉन्ड बनाना है हमें पांच बॉन्ड बना देना है तो एक हो गया इधर भी एक हो गया इधर भी एक हो गया इधर भी एक हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया तो देखिए यहाँ पर इस स्टेप इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ है ना तो एक क्या हो गया एक पिरामिड बना नीचे एक साइड बना है मैं ऊपर से इसमें नीचे एक साइड क्या बन गया एक पिरामिड बन गया और स्क्वायर तो है ही है ये क्या हो गया स्क्वायर पिरामिडल तो कोई भी पांच एलिमेंट होना चाहिए उसमें अब एक लोन पेयर है इसमें लोन पेयर लोन पेयर का तो काउंट हम करते नहीं है तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया स्क्वायर पिरामिडल तो पहला आंसर तो सही है ठीक है अब दूसरा देख लेते हैं आई एफ फाइव यहाँ पर देखते हैं आई एफ फाइव तो आई एफ फाइव भी सेम होगा क्योंकि बी आर फाइव है तो सेम इसमें भी सात होगा और पाँच होकर के टू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये भी पाँच होगा तो सिक्स होगा तो एस पी थ्री डी टू अब ये भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा जैसे आई है है ना चार इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा फ्लोरिन के साथ एक दो तीन चार इसको लोन पर नीचे बना देते हैं मान लो ये हो गया आपका फ्लोरिन पाँच तो ये भी कैसे दिख रहा है स्क्वायर पिरामिडल के जैसे दिख रहा है तो ये भी आंसर सही है दूसरा आंसर भी अगला थर्ड क्वेश्चन है जिनान ओ एफ फोर क्या है जिनान ओ एफ फोर इसका भी हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो जिनान का एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ होता है ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं चार बाई टू करेंगे तो कितना होगा सिक्स है ना छः बाई बारह बाई दो सिक्स होगा मतलब ये भी क्या होगा एस पी थ्री डी टू होगा अब इसके स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो जिनान में कितना होगा एट इलेक्ट्रॉन होता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जिसमें से चलो मान लेते हैं एक को किसके साथ बना दिया दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ चला गया और चार आपका बचा फ्लोरिन के साथ ये हो गया तो ये भी हो गया आपका एक स्क्वायर बन गया और ऊपर से एक पिरामिड बन पिरामिडल है।, भी भी पिरामिड है ठीक है थर्ड भी है। अब आते हैं फोर्थ पे तो फोर्थ को देखते हैं ना तो ये क्या, Icl4. तो Icl4, think, न, क्या हो जाएगा सात ये माइनस भी है आई सी एल फोर माइनस है है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है आई सी एल फोर माइनस है सात हो गया और सात पाँच टू करेंगे तो सात पाँच बारह बारह मतलब दो छ आगे आ आगे तो एस पी थ्री डी टू ये भी आएगा बट अब इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं ना तो इसमें क्या होगा आई ओर करेंगे जैसे आई है सात लिखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एड किए हैं तो ये हो गया आठ तो ये हो गया आपका आयोडीन ये हो गया आपका आयोडीन सॉरी क्लोरीन 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 ये आपका क्लोरीन ये हो गया क्लोरीन 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 तो ये क्या बन गया ये स्क्वायर बना ऊपर में कोई लोन पेयर जरूर है ना लोन पेयर काउंट नहीं होता है, मैं बोला हूँ लोन पेयर काउंट नहीं होता है क्या है स्क्वायर बन गई ये ए स्क्वायर पिरामिडल नहीं बना तो आंसर इसका यही बस क्या होगा इसका, इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर बाकी सब स्क्वायर पिरामिडल एक क्वेश्चन जब आया था सेट में ना तो इसको विलोपित किया गया था रीजन क्या है इसमें दो ऑप्शन दिया है जबकि है कितने तीन कौन कौन सा था ए बी सी तीनों ऑप्शन था ए बी सी डी आपका नहीं है डी ए क्योंकि डी ए की स्क्वायर है ठीक है तो एक क्वेश्चन को मैंने छूट छूट गया था फर्स्ट वीडियो हॉस्पिटल उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो है ना ऐसे ही वीडियो लेक्चर सीरीज में लाते रहूँगा केमिकल साइंस को लेकर के जिसमें आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू मेंटेन रहेगा और एक एक करके हम देखेंगे अलग अलग क्वेश्चंस को ठीक है अब उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तब तक के लिए थैंक यू